मैं बिलियर्ड से स्टार्ट किया। लास्ट ईयर मैं बिलियर्ड चैम्पियन था। मैं फाइनल तक पहुंचा एंड फाइनल ऑल्सो डिसाइडर फ्रेम तक गया, तो आई वॉज नॉट एबल टू डिफेंड द टाइटल, बट आई वॉज द रनर्स अप एंड माई मेन एम वॉज स्नूकर चैम्पियनशिप। आई वन इट कम्फर्टेबली, लूजिंग ओनली टू गेम्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सो इट वॉज वेरी बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। अभी मैंने खास करके पिछले कई सालों से आप स्नूकर में चैम्पियन बनते आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपका मीन्स प्रैक्टिस सेशन कैसा रहता है यार, क्या हाउ यू प्रिपेयर फॉर दैट, कैसे उसकी तैयारी करते हैं? प्रैक्टिस सेशन तो साल में ऑल इंडिया इतने टूर्नामेंट्स होते हैं कि पूरा टाइम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छे सीनियर प्लेयर्स के साथ, सोनिक मुल्तानी जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ गुजरात में प्रैक्टिस मिलती है, तो बहुत हेल्प होता है। मैच के लिए टेम्परमेंट बनता है ऐसे प्लेयर्स के साथ खेल के। खास करके स्नूकर के आपने चैंपियनशिप जीती है, तो स्नूकर में कौन सा मैच टफ लगा? कोई ऐसा खिलाड़ी के जिसके साथ का मैच थोड़ा ऐसा लगा कि ना शायद हाथ से निकल जाए? प्री लीग राउंड से गुंजन पटेल बहुत अच्छे प्लेयर है, तो उनके साथ तब से ही सब अपोनेंट्स टफ थे। एवरी अपोनेंट इज टफ, यू हैव टू प्ले योर बेस्ट, अपना अच्छा खेलना है, फिर नथिंग इज टफ। तो खास करके अगर बिलियर्ड्स की बात करें, आप उसमें रनर्स अप रहे हैं, कहाँ पर चूक हुई, क्यों चैंपियन नहीं बन पाए? बिलियर्ड एक्चुअली मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ टूर्नामेंट स्टेट खेलता हूँ, तो मेरा एम भी नहीं था कि मैं जीतूंगा, बट स्लोली स्लोली आई रीच द फाइनल्स, तो अच्छा रहा। आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड कि मैं हारा। नहीं, खास करके इन फ्यूचर अगर बिलियर्ड्स में भी आप कुछ करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? नहीं, आई वोंट, बिलियर्ड इज नॉट माई गेम, आई विल प्ले स्नूकर ओनली। तो दोस्तों आता है अभी